बिलासपुर जिला के बरमाणा क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाला मामला तब सामने आया जब एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को कुछ दरिंदों ने न केवल 4 महीने तक अपने घर पर बंधक बनाकर रखा बल्कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी किया। वही मौका देखते ही पीड़ित युवती इन दरिंदों के घर से जान बचाकर फरार होने में कामयाब हुई और सीधे बरमाणा थाना में जाकर पहुंच गई, जहां उसने आप बीती सुनाई। वही थाना SHO ने पूरे मामले की जानकारी ASP अमित शर्मा व SP दिवाकर शर्मा को दी, जिसके बाद ASP अमित शर्मा ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए और अगले 24 घंटे के अंदर ही 3 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि पीड़ित लड़की को 2 युवकों द्वारा अगवा कर एक कमरे में बंद करके रखा गया था और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही पीड़िता को अपना मुंह बंद रखने और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसके बाद मौका देखते हुए पीड़िता फरार होने में कामयाब हो गई और सीधे थाने में जा पहुंची। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए ASP अमित शर्मा ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट पोस्को व धारा 376 के तहत FIR दर्ज कर दोनों मुख्य आरोपियों सहित घर के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जिला न्यायालय द्वारा 3 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इस मामले में जो पीड़िता इसने शिकायत दी थी कि उसे 4 महीने तक कुछ व्यक्तियों ने अपने घर में रखा है तथा उसके साथ जो है जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए हैं, तो इसमें कार्रवाई करते हुए संबंधित कानून SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, पोक्सो एक्ट हो गया, 376 रेप हो गया तथा अन्य जो कानून की धाराएं वो लगा के FIR दर्ज की गई और तुरंत कार्रवाई करते हुए जितना एक दिन के अंदर बरमाणा पुलिस की पूरी टीम ने जो मेन अक्यूज है वो गिरफ्तार कर लिए हैं, अदालत में पेश कर उनका जो है रिमांड लिया गया है। इसमें 2 मेन अक्यूज्ड जो मेन अक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट हैं तथा जिनके घर में इसे रखा गया जो इन 2 अक्यूज्ड का फादर है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इसमें हथियार इस्तेमाल किए गए हैं जैसा पीड़ित ने बताया वो भी जो है कब्जे में ले लिए गए हैं। पीड़िता का जो है मेडिकल कराया गया है और जो भी इसमें डॉक्टर राय देंगे वो उसी के बाद बोला जा सकता है। एट प्रेजेंट इस तरह का जो है हमारे पास लिखित में कोई राय नहीं है। नाबालिग लड़की है ये जी, ये नाबालिग है।